ठीक है। अच्छा, एग्जाम के हवाले से ये है कि हमने ये सोचा, हमारी मीटिंग हुई थी, हमने ये सोचा कि इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि जैसे हमारे ट्रेडिशनल एग्जाम होते थे वैसे हम आपसे लें। आप सब सुन रहे हैं मुझे? आप चेट में यस मुझे सर, यस सर, अदरवाइज यस सर, यस चेट में आप यस या मुझे रेस्पॉन्स देते चले ताकि मुझे पता चले, ठीक है? और फिर जो डिस्कस होगा यस तो सर, वो भी हम करेंगे। इशू ये था कि हम मुझे एहसास है, वाइस चांसलर साहब को एहसास है, हम सबको एहसास है कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम्स हैं और इंटरनेट के प्रॉब्लम हैं। कल देखें हम कनेक्ट नहीं हो सके, हम सब ने चाहा भी नहीं हो सके, इश्यूज हैं, इस तरह के इश्यूज हैं। तो इस दौरान में अगर टाइम बेस्ड जो एग्जाम है वो सही नहीं लगा हमें, वो भाई आप लोगों से भी ज्यादती है, सब कुछ है। तो हमने सोचा कि ये इस तरह के हम एग्जाम नहीं लेंगे जैसे कि भाई आपको कहें कि भाई 8 घंटे में ये क्विज है, ये मिड है, ये फाइनल है, ये करके दें। तो फिर हम उसको असाइनमेंट की तरफ ले आए और जो प्रोग्रामिंग के हैं कोर्सेज तो वो उनको असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स देंगे, और जो जिनका प्रैक्टिकल नहीं है, जिनकी लैब नहीं है, तो वो उनको कोई भी रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट दे देंगे या कोई और प्रोजेक्ट दे देंगे कि वो प्रोजेक्ट बना के दें। तो उसमें ये हमें 50 मार्क्स जो फाइनल के हैं वो कवर करने हैं। इसी सिलसिले में मैंने भी आपको एक असाइनमेंट भेजी जो 25 मार्क की थी और 25 की और दूंगा, तो ये 50 का फाइनल हो जाएगा। अलबत्ता इसमें आपको टाइम भी है, हमने ये जरूर किया है कि भाई हर असाइनमेंट रिपोर्ट चेक की जाएगी टर्नइटन के थ्रू, कि कोई गूगल करके कॉपी ना करे, कोई दूसरे से कॉपी ना करे। हाँ, 19% हमने उसको किया है कि भाई 19% तक अगर प्लेजरिज्म आता है, क्योंकि उसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें देने होते हैं, डेट है, दिस है, एंड है, बहुत से कॉमन वर्ड है, मगर वो 19% बहुत है, तो हमने ये उस पे ही रखा है। तो इस तरह का आपका एग्जाम होगा, ठीक है? इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे करें। सर ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन अब दे जो भी जो बात लिसन जो भी बात करे अपना नाम लेके बात करें कि भाई मैं ये बात जी, सर मेरा नाम शर्जील है और मेरा रोल नंबर 5510 है, और ठीक। मेरा क्वेश्चन आपसे सर ये है कि ये चीजें तो आपने क्लियर कर दी कि असाइनमेंट बेस है, ये सारी चीजें, ये चीजें अंडरस्टैंड भी हो गई मुझे। जी अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अब हमने इम्प्रूवमेंट करनी है, जैसे कि मुझे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में इम्प्रूवमेंट करनी है, मेरे साथ काफी लड़के हैं वो पिछले कोर्सेज को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, तो उसका वो सर क्या प्रोसीजर होगा वो पूछना चाह रहा हूँ सर मैं आपसे। और चीज है, अभी उसी पे भी हमने किया है, पहले ये तो हो जाए, उसको भी हम ट्राई कर रहे हैं कि उसको भी सॉल्व करें, मगर जैसे वो रेब है ना, वो रेब नहीं हो सकती है, क्योंकि रेब सर हम कैसे थ्योरेटिकल ले? पेपर, थ्योरेटिकल हाँ, पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। थ्योरेटिकल का वाइस चांसलर साहब से बात की है, तो इससे अभी थोड़ा बात करेंगे, फिर दोबारा भी हमारी मीटिंग है कि हम उसके लिए हमने बात की कि उसमें कि क्या करें। अब उसमें जी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट का जो वहां से ये आया कि सर इस बार वो आप ना लें, मगर हम जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट से हमने कहा कि भाई वो लेने हैं, वरना ये तो बच्चों का टाइम जाया हो जाएगा, तो हम बजिद हैं कि वो लें और हम लेंगे इनशाला। मगर वो आप लोगों के लिए जो अभी स्टडी कर रहे हैं, जो पास आउट हो गए उनके लिए नहीं, मतलब आप लोगों के लिए, उनके लिए जो फेलियर्स हैं, जो फेलियर्स हैं उनके लिए ये हम कर रहे हैं। तो अब उसकी पॉलिसी आनी है, जैसे पॉलिसी वो भी आ गई तो वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगा, मगर वो हम करेंगे कि जो फेलियर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अभी 7th सेमेस्टर में हैं, आप फर्स्ट या ठीक है, तो ठीक है सर, ठीक है। डोंट वरी, वो भी हम कर लेंगे, उनका भी हम कर लेंगे कि भाई हम क्या करें, क्योंकि डेफिनेटली ये इश्यूज हैं। अगर ये अभी गुजर गया तो फिर आप कब कब देंगे वो एग्जाम? तो हम ट्राई कर रहे हैं कि बिल्कुल आप सर, वो भी मसला हल करें। डोंट वरी, हमने आपके सब मसले जो हैं वो हमारे माइंड में हैं, हम उस पर डिस्कस भी कर रहे हैं ताकि आप लोगों को फुली फैसिलिटी दिया जाए। इस ये जो पेंडेमिक ने हमें डिस्टर्ब किया है, तो इसमें हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं।
जैसे अभी ये एग्जाम का सॉल्यूशन हमने निकाला है कि लेट्स सी कि अभी क्या हो रहा है। ठीक है सर, और किसी को है कोई क्वेश्चन? और किसी को कोई क्वेश्चन है एग्जाम के हवाले से? यहाँ और कोई रही बात, आप लोग मुझसे असाइनमेंट के बारे में पूछ रहे थे, तो असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया कि ये 25 मार्क्स का असाइनमेंट है जी वाला, यही आपके पास आया होगा जब भी मैंने ओपन किया है। ये असाइनमेंट आया है ना आपके पास? यस सर, अगर किसी का माइक काम नहीं कर रहा है तो आप चैट बॉक्स में मुझे रिस्पांस दें ताकि मुझे पता चले ना। तो ये असाइनमेंट आपको करना है, ये 25 मार्क्स का असाइनमेंट है, मगर इसको आपको पढ़ना है क्लियर। असल में मैंने एक सीनारियो दिया है, यहाँ से लेके ये एक सीनारियो है कि मैंने बताया कि कंपनी है जिनके डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट उनके प्रोडक्ट्स हैं, और आपको पता है कि हम उन पे कमेंट्स भी करते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा है, ये खराब है, ये ठीक है, इस तरह के हम कमेंट्स करते हैं, वो फेसबुक पे हों, ट्विटर पे हों, दराज पे हों, या किसी और वेबसाइट पे हों, कहीं भी हों। तो हम क्या करेंगे कि मैंने जो आपको सीनारियो दिया है, मैंने एक डेटा सेट भी आपको बताया है, और मैंने प्रोडक्ट भी आपको चार प्रोडक्ट्स बताए हैं कि ए बी, एक है ए कंपनी सैनिटाइजर है, एक बी कंपनी का सैनिटाइजर है, इस तरह एक ए कंपनी का सोप है, एक सी कंपनी का सोप है, तो ये चार प्रोडक्ट हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया है कि लोग इनके बारे में, एक डेटा सेट मैंने आपको बताया है कि उसमें टोटल कितने रिकॉर्ड हैं, और पॉजिटिव उनके बारे में कितने कमेंट्स हैं, नेगेटिव कितने कमेंट्स हैं एक एक प्रोडक्ट के बारे में, और न्यूट्रल कितने, ये एक डेटा सेट आपके पास आ गया है। अभी आपको क्या करना है कि एक जो हमने सुपरवाइज मॉडल पढ़ा था, और अनसुपरवाइज्ड जो है क्लस्टरिंग का, वो भी मैंने लेक्चर आपको भेजा था, उसी बेस पे आपको ये चीजें पूरी करनी हैं कि आपको एक सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल बनाना है, वो भी थ्योरेटिकल होगा, आपको उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, थ्योरेटिकल है, जैसे हमने पढ़ा है सुपर एक बनाना होगा कि इसमें पॉजिटिव कमेंट्स क्या है, कि हम उनको कैसे सॉल्व करें, ये तो एक मैंने आपको दिया है। अब इनमें डेफिनेटली गलत वैल्यू भी होंगे, मिसिंग वैल्यूज भी होंगे, तो हमें कौन सी चीजें उसके लिए यूज करनी चाहिए, वो मॉडल हमारा कैसा होना चाहिए, एंड ताकि हम उनमें पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल को करें, और उसमें अगर एरर हैं तो हम लॉस फंक्शन यूज करें ताकि हमें पता चले कि इसमें कितनी एरर्स हैं, लॉस फंक्शन भी हमने पढ़े थे। इस तरह ये जो चार हैं अपना प्रोडक्ट, इनके क्लस्टर बनाएं आप, के चार क्लस्टर बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, वो डेटा आपके पास है, उस डेटा के बेस पे आप बनाएंगे और सबको अलग करेंगे और उनकी सेंट्रल पॉइंट फाइंड करेंगे। सेंट्रल पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे वो भी मैंने आपको बताया है, और वो मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको इस लेक्चर में दिखाया है। अच्छा, अफसोस ये है कि आप लोग जो हैं लेक्चर मेरे देखते ही नहीं है, वो मैं देखता हूँ वैसे के वैसे पढ़े हैं, देखें और उनके नोट बनाएं तभी आपको समझ आएंगे। तो ये 17 इसकी लास्ट डेट है जुलाई, उसके बाद फिर एक 25 की मैं और आपको असाइनमेंट या कुछ मॉडल दूंगा कि आपके 50 का फाइनल पेपर हो जाएगा इस तरह। तो ये सर, आपको करना है जी। सर मेरा नाम दाजीज है, रोल नंबर 520। सर मेरा एक क्वेश्चन आएगा सर, जब हम इस तरीके से हम इसको सुपरवाइज लर्निंग को डिफाइन कर देंगे, फिर क्या इसका रिव्यू रिकमेंडेशन एज ए ग्राफिक एनालाइज करके बताएंगे जी, इसमें उसके बाद ये जो आखिर सुपरवाइज्ड भी अनसुपरवाइज्ड भी क्लस्टर्स भी, लेकिन सर आपने यहां डेवलप और सुपरवाइज्ड लर्निंग बताया है कि मैंने सुपरवाइज्ड लर्निंग मॉडल बताओ, नीचे ही मैंने लिखा है ना, ये 5 हैं आपके पास टास्क। सही सर, ठीक है, 5 टास्क हैं। और सर ये डिस्क्रिप्शन जाएगी, डिस्क्रिप्शन हम थ्योरेटिकल जैसे लिखते हैं कि पूरा एक बताएंगे किस तरीके से हुआ जी, कैसे आपने मॉडल बनाया,
उसको ग्राफिकल पेश करेंगे, कैसे बनाया आपने, ये हमने पढ़े हैं मेथडोलॉजी पढ़े हैं, उसके बाद आपने इनके क्लस्टर कैसे बनाए, सेंटर पॉइंट कैसे निकाली हैं, अगर आपने सुपरवाइज में किया है तो आपने कौन सा मेथड यूज किया, हमने दो तो पढ़े हैं KNN और अपना SVM तो पढ़े हैं कि इनमें से आपने कौन सा यूज किया है, और अगर क्लस्टर्स में तो आपने क्या के मीन्स यूज किया है, या मैंने दूसरे भी आपको मेथड उसमें पढ़ाए हैं जो लेक्चर भेजा है, तो वो आपको डिफाइन करने हैं कि कैसे ये प्रोसेस हुआ है। तो अगर ये दो लेक्चर आप सही सुन लेते हैं तो आपको पूरी ये पूरी असाइनमेंट आपकी सॉल्व हो जाएगी। सही सर, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, जो भी आप पढ़ें, अब जैसे मैंने इसमें सुपरवाइज में आपको लास्ट फंक्शन भी पढ़ाए थे, ओवर फिटिंग भी पढ़ाई थी, तो ये जो भी अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो जाएगी। ये सब कुछ हम आपकी आसानी के लिए कर रहे हैं क्योंकि ये इस वक्त प्रॉब्लम है, इंटरनेट के प्रॉब्लम है, बिजली के, इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम है, कि ये एक बार आपने असाइनमेंट क्या की, कॉपी की, अपने सिस्टम पे रख ली, फिर इंटरनेट हो ना हो आप अपना काम करेंगे। मगर मैंने एक बात और भी लिखी है कि इसमें प्लेजरिज्म लेस देन 20% है, जो हम इसको टर्निटिन पे चेक करेंगे, अगर किसी ने किसी से कॉपी की या गूगल की तो उसके नंबर कट जाएंगे। सही, ठीक है। और किसी को है कोई क्वेश्चन सर? अच्छा, इसका सिर्फ हमने थ्योरेटिकल मॉडल बनाना है ना? अजय सर, सुमैया ने कहा यही क्वेश्चन है, कोडिंग आपको नहीं करनी है, आपको थ्योरेटिकल मॉडल बनाना है, ग्राफिकल मॉडल बनाना है, जबकि मैंने क्लस्टरिंग की आपको कोडिंग करके भी सिखाई है, मगर वो भी मैं आपसे नहीं मांग रहा हूँ। जी, अभी एक किसने हैंड रेज किया, नजीर, क्या नाम था, नजर क्या? हाँ जी पूछे, नजर जी, जो भी आपकी कंफ्यूजन है वो दूर कर लेना। बस ये है कि आपको अगर खुद काम करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, अच्छा भी आएगा। ये दो लेक्चर अगर आप देख रहे हैं, और भी अगर आपको क्लियर करना है तो एक मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था नॉलेज बेस पे, उसको भी देख रहे हैं, तो आपको बहुत से इन तीनों में से ये असाइनमेंट है, बेसिकली इन दो में से है, मगर कुछ चीजें आपको नॉलेज बेस से भी मिल सकती है, मॉडल्स वगैरह जो हम मॉडल उसमें हमने बनाए थे, और फिर ये डेटा सेट आपके पास पूरा डेटा सेट ये मौजूद है, तो एक ये रिपोर्ट बन जाएगी, इसका आप पूरी रिपोर्ट बनाएंगे कि प्रॉब्लम जो है वो तो मैंने ये लिख लिया है सारा, और उसको आप सॉल्व करेंगे, मगर प्रॉपर रिपोर्टिंग होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, फिर इंट्रोडक्शन, फिर मेथडोलॉजी होनी चाहिए, फिर आपके रिजल्ट्स आने चाहिए, इस तरह हो। ये तीन टॉपिक अगर आप असाइनमेंट में करेंगे, इंट्रोडक्शन हो आपके असाइनमेंट का जो तो ऑलमोस्ट मैंने लिखा है, थोड़ा आप इसको चेंज करेंगे, फिर मेथडोलॉजी क्या होगी आपकी जो मॉडल आप बनाएंगे, देन आप थर्ड में आप उनका रिजल्ट्स देंगे, और फोर्थ उसका कंक्लूजन देंगे, तो ये आप खुद लिखेंगे क्योंकि टर्निटिन में जाएंगे तो सबके पता चल जाएगा। अलबत्त आप स्टडी कर सकते हैं, मेरे लेक्चर्स को आप सुने हैं, और भी क्लियरिफिकेशन करनी है तो गूगल से भी आप कर सकते हैं, मगर ये सारे करें, और ये 17 इसकी लास्ट डेट है ये जमा कराने, फिर एक और होगी जो 24 तक जमा करानी है, तो फिर आपका फाइनल हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हम अगस्त से फॉल सेमेस्टर में आप इंशाल्लाह 8 में आ जाएंगे, अगर आप लोगों ने अच्छे ये काम किए तो। ठीक है, और किसी को क्वेश्चन? आप लोगों में से किस किस ने वो सुना है अपना ये लेक्चर मेरा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का? अच्छा, मैं इसको जल्दी जल्दी आपको बता भी रहा हूँ, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग में फर्क ये है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग पे हम टारगेट एनालिसिस करते हैं, हम क्या करते हैं कि उसमें लेबल देते हैं, अनसुपरवाइज्ड में हमारी टारगेट लर्निंग नहीं होती है, बगलक वेग होती है कि हमारे पास एक डेटा परी है, हम उस डेटा में से उसके ग्रुप के कैटेगरी वाइज हम उनको अलहदा करते हैं, ये फर्क है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड में। मसलन मैं आपको दिखाऊं, अब ये देखें, ये डेटा जो है यहाँ, जो ये सारी मिक्स हैं, आपको पता नहीं है कि कुछ क्या है या क्या है, ये एक सैंपल है, मगर जब आपने इस पे इसके क्लस्टर बनाए तो ये इस तरह के आ गए, ये इस कलर में, इस कलर में, इस कलर में, ये डिफरेंट कलर्स इनके बन गए, तो दिस इज द अनसुपरवाइज्ड। और अगर सुपरवाइज्ड हम करें तो हम क्या करेंगे, इनके नाम देंगे,
इसका नाम देंगे, इसका नाम देंगे, इसका नाम देंगे, तो ये इनकी क्लास बन जाएंगे। फिर हम अगर यहाँ से भी ढूंढेंगे तो ये हम अगर ट्रेनिंग कराते हैं इस वे में तो हमें यहाँ से ढूंढने में आसानी लगेगी। तो अनसुपरवाइज्ड ये एक अननोन आपके पास मटेरियल पर आए, उसको आपको नॉन बनाना है, डिफरेंट क्लस्टर्स में, डिफरेंट ग्रुप में उसको डिवाइड करना है। ये सारा लेक्चर आप सुन लीजिएगा, मैंने आपको भेजा है और मेरे उस पेपर आया, ये सारा सुन लीजिएगा। क्लस्टरिंग जो है ये भी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट बहुत बेहतरीन किस्म की ये मॉडल है जो डिफरेंट किस्म के रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। जैसे जेनेटिक रिसर्च है, आप डिफरेंट जीन्स के बेस पे करें, इमेज के बेस पे करें, आप न्यूज़पेपर है, फोटो है, उसमें आप इमेज सेगमेंटेशन करें, मार्केट रिसर्च करें। अगर मार्केट में तो देखें ना, अगर 500 बंदे हैं तो आपको क्या पता कि 500 बंदे क्या इनकी है, तो आप उनको उनके इंटेंट खास विश मुताबिक उनके आप कर सकते हैं कि ये किस प्रोडक्ट को करते हैं, मेडिकल में डिफरेंट चीजें हैं। ये सारी डिटेल मैंने आपको अपने लेक्चर में बताई है जो मैंने आपको भेजा है। इस तरह मैंने के मींस किया, के मींस की मैंने आपको लेब भी कराई है इसमें, जबकि इस कोर्स में वो लेब है नहीं, मगर मैंने आपको लेब कराई है इसमें, के मींस की मैंने आपको लेब कराई है। डेटा सेट नजर मैंने वहां भेजा है, डेटा सेट जैसे हम यूज करते हैं, डेटा सेट तो सारा मैंने आपको लेबल करके भेजा है कि भाई इस प्रोडक्ट के बारे में इतने पॉजिटिव कमेंट्स हैं, इतने नेगेटिव हैं, इतने न्यूट्रल हैं, सारा डेटा सेट भेजा है। आपके सुपरवाइज्ड लर्निंग के लिए तो मैंने बहुत आसानी पैदा की है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में आपको ये करना है, ये देखना है कि पॉजिटिव सॉरी सैनिटाइजर के टोटल कितने हैं, ए सैनिटाइजर के, बी सैनिटाइजर के, ए सोप के कितने हैं, सी सोप के कितने हैं, चार क्लस्टर बनेंगे। अब इतना तो बाकी मैं नहीं बताऊंगा ताकि कुछ आप लोग भी काम करें, ठीक है। तो के मींस की अगर आप वहां देखें तो के मींस की मैंने वहां लेब भी कराई है, दिखाया भी है कि क्लस्टर कैसे बनते हैं। और इसके अलावा आपको जो देने हैं वो तो आपको के मींस का मैंने आपको एल्गोरिथम भी दिया है, वो कैसे काम करता है ये एल्गोरिथम है, और वहां ये मैंने बताया भी है सारा कैसे ये काम करता है। देन देखें ना, ये एक हमारे पास एक सैंपल डेटा है, तीन किस्म की डेटा है, इस तरह मैंने आपको दिया, आपको इसको क्लस्टर्स बनाने। अब ये देखें तीन क्लस्टर बन गए, ब्लू रेड ग्रीन, मगर सेंट्रिक पॉइंट इनमें नहीं है, कोई भी सेंट्रिक पॉइंट नहीं है, तो अभी तक ये मेच्योर क्लस्टर्स नहीं है। आपको क्या करना है, इस तरह से मुझे देनी है कि ये आपको इनको सेंटर पॉइंट बनाना है, जो मैंने आपको बताए हैं इसके स्टेप कि ये सेंटर पॉइंट कैसे बनेगी। ये देखें ये सेंटर पॉइंट बन गई। इसके अलावा मैंने ये चीज आपको प्रैक्टिकल करके इसमें पाइथन में दिखाया अभी है जुपिटर नोटबुक पे, तो वो भी अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें वो भी मौजूद है। मगर आप लोगों को कोडिंग नहीं करनी है, आपको थ्योरेटिकली ऐसे बताना है, मगर उसका वे आप जरूर बताएंगे। देन फिर ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग है, ये मैंने वीडियो में आपको पूरी समझाई है, और इसका भी मैंने प्रैक्टिकल कराया है, और इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया है, डेंडोग्राम बनाया है, डेंडोग्राम में मैंने सारा बताया है कि ये क्लस्टर्स कैसे बने हैं, एग्लोमेरेटिव में कैसे बने हैं या डिसीसिव में कैसे बने हैं, एग्लोमेरेटिव क्या है डाउन टू अप है और डिसीसिव अप टू डाउन है, ये सारे मैंने उसमें आपको बताए हैं। अगर ये भी आप देख लें तो ये सारी वीडियो मैंने आपको बताई है, उसमें सब कुछ बताया। जी जी सर, हमें सिर्फ इसकी है ना रिपोर्ट बनानी है, कोई प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं करनी? नहीं, प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, रिपोर्ट बनानी है, मगर रिपोर्ट कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया कि आपको पहले इंट्रोडक्शन लिखना है, देन मेथडोलॉजी लिखनी है कि आपको मॉडल बनाना है, ठीक है, मॉडल बनाना है कि ये कैसे सुपरवाइज मॉडल और अनसुपरवाइज मॉडल, मसलन कौन कहां गया। आपने ये पूरा डेटा सेट दे दिया, इसका वो हमें डेटा सेट असाइनमेंट में मैंने भेजा है ना, डेटा सेट मैंने असाइनमेंट के साथ भेजा है, सारा डेटा सेट मैंने आपको भेजा है। ये देखें ना, ये है, मैंने ये पूरा लेक्चर आपको डिटेल में वहां बताया है, ये सारा मैंने आपको बताया है, ये अगर आप देख लेंगे तो आपको नॉलेज भी मिलेगी और आपको असाइनमेंट करने में, इस तरह के मॉडल बनाने में आपको आसानी होगी।
साबिर मैंने आपको बताया कि फंक्शंस कैसे यूज होंगे, सब कुछ कैसे होंगे। ये देखें, इनको मैंने सॉल्व किया है, देन मैंने आपको पार्टिकल भी बताया है। मगर आपको प्रैक्टिकल नहीं करना, आपको थ्योरेटिकल मॉडल बनाना है। रिपोर्ट के अंदर सर ये देखें, ये मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल बताया है, मगर आपको ये नहीं, ये इसलिए कि मैंने आपको पता चले कि कैसे काम होता है। नहीं देखें ना, इस तरह ये सब आपको बताया, एक एक का मैंने टर्म को भी डिटेलली डिफाइन किया। अब ये देखें, ये क्लस्टर सारे बन गए। ये देखें, ये क्लस्टर्स हैं। ये के मींस के थ्रो मैंने निकाला है, तो ये मैंने आपको बता दिया है। इस तरह ये हायरार्की, जबकि रेब हमारे उसमें नहीं है, मगर मैंने आप लोगों की वजह से आपको कराया कि ये आप करें। ये डेंडोग्राम है, ये देखें, ये क्लस्टर्स हैं, ये देखें, ये नजदीक हैं। तो ये एक एक चीज मैंने आपको समझाई, एक एक चीज समझाई। ये डेंडोग्राम है, ये भी मैंने आपको समझाया कि भाई जैसे ये क्लोज है 7 to 8, देन इनके क्लोज ये है, देन इन तीनों के क्लोज ये है, देन इनके क्लोज ये है, इस तरह दो साइड है, ये सारी मैंने आपको बता दी है। सो ये आप देख लें, जो आपको इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, इस तरह मैंने असाइनमेंट भी आपको ये बताई कि असाइनमेंट है, ये देखें इसमें सारे ये प्रोडक्ट नेम्स हैं, ये इनका डेटा सेट है, ये डेटा सेट है, एंड ये टास्क हैं जो आपको करने हैं, ये सारे टास्क हैं, 5 टास्क हैं आपको करने हैं। फिर ये नोट आपको जरूर देखना है कि कॉपी नहीं करनी, प्लेजरिज्म नहीं करना, जितनी प्लेजरिज्म आएगी उतने आपके नंबर कटेंगे। आई टेल यू, देन मैंने आपको रेफरेंस दिए हैं कि ये अगर आप 2 लेक्चर देखें तो आपके असाइनमेंट हो जाएगी, और इसमें भी अगर आप नॉलेज बेस वाला लेक्चर एक्स्ट्रा देख लेते हैं तो आपका मॉडल बहुत अच्छा बन जाएगा। तो ये मैंने भेज दिए, और 17 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो आप बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें। ये आपकी आसानी के लिए किया है कि ताकि आप लोग जल्दी में आप लोगों का हो जाए। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? और कोई है क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वाले सलाम सर, माय नेम इज इकराम अब्बास सर। आई हैव 2 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस असाइनमेंट सर। क्वेश्चन नंबर 1 ये कि जो एल्गोरिथम हम इस पे अप्लाई करेंगे, रिपोर्ट में यूज करेंगे, तो उसका रीजन इसमें डिफाइन करना जरूरी होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 ये कि इसकी लेंथ कितनी होगी सर, हमारी रिपोर्ट जो हम तैयार करेंगे इसकी लेंथ कितनी होगी? लेंथ इतनी भी ना हो कि आप इधर उधर की डेटा डालें, वो प्लेजरिज्म पे आप ही फंसेंगे। टू द पॉइंट, इंट्रोडक्शन सिंपल देना है कि भाई ये है
असाइनमेंट है, ये प्रॉब्लम है, इसमें हम मेथडोलॉजी देनी है, उसको प्रॉपर बनाना है कि मॉडल आप सुपरवाइज्ड मॉडल कौन सा, मेथडोलॉजी आपकी दो टाइप की बनेगी, एक बनेगी कि आपका सुपरवाइज्ड मॉडल ये होगा एंड एक बनेगी अनसुपरवाइज्ड जैसे मैंने आपको दिखाया वो मेथडोलॉजी बनेगी। तो मैं कहना अगर फजूल चीजों से आप बचेंगे तो आपका फायदा है, ज्यादा इतनी लंबी ना हो कि टू द पॉइंट, और फिर उसके रिजल्ट क्या आए क्योंकि और फिर आपको लास्ट फंक्शन यूज करने हैं, वो भी मैंने आपको पढ़ाए थे, वो उनको फंक्शन देना है, ये करना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कितना समझा है, आप लोगों को क्या आ रहा है। यस सर। तो ये सर, ये एल्गोरिथम का जो रीजन है वो भी हमें डिफाइन करना होगा कि हमने ये वाला एल्गोरिथम क्यों यूज किया है। एग्जैक्टली डिफाइन करना है कि आप वो एल्गोरिथम क्यों कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको एल्गोरिथम्स की मेथड की नॉलेज है या नहीं है। ओके ओके, थैंक यू सर। Welcome. और कोई? मैं आज आया हूँ तो आप लोग बार बार पूछ रहे थे, तो मैं कहा मैं खुद ही आ जाऊँ और इसी पे एक्सप्लेन करूंगा जो भी आपका है क्वेश्चन करें। है किसी और को क्वेश्चन? वरना टाइम खत्म होने वाला है। चलें जी, फिर मैं ये देखता हूँ, वरना ये वीडियो भी आप लोगों को मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ करूँ, अदरवाइज जो बेटा देखें वो जितने पेज का बनता है इसमें नेसेसरी नहीं है, मुझे पेज नहीं चाहिए, मुझे ये आपका काम चाहिए, जो आपके क्वेश्चंस हैं ना, ये पहले भी एक बच्चे ने पूछा, फिर आप भी पूछ रही हैं कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि पेज ज्यादा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि काम आप जो करें वो सही करें, काम प्रॉपर हो। ठीक है, और कोई? चलें ठीक है, फिर बंद करें, कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू सर। चलें, वेलकम वेलकम, थैंक यू थैंक यू।